सो हे गाइस सर, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। यार इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद की। हाँ, उसी उर्फी जावेद की जिसे कि लोगों को अपने वैक्सीन करावा शरीर दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। बंद करो ये आवाज का नंगानाच। अब यार अगर तुम इस नॉर्मल से समाज में नॉर्मल सोच के साथ जीने वाले इंसान हो, इस बात की गारंटी कि अगर तुम्हारे आंखों के सामने भी उर्फी जावेद अपने नग्न कार्यक्रम चलाते रहे ना, तो भी तुम इसे घंटा कुछ नहीं समझा सकते हो। तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। कंट्रोल, क्योंकि इसके पास तुम्हारे हर ताने का जवाब है। इसके ऊपर अगर तुम बेशर्मी का थूक फेंकोगे तो ये अपने आगे तुम्हारी छोटी सोच का पर्दा लगा लेगी। इसके ऊपर अगर तुम कल्चर या फिर संस्कृति का तीर मारोगे तो ये फैशन को अपना ढाल बना देगी। इसके ऊपर अगर तुम इंडिसेंसी या फिर मिस इन्फ्लुएंसिंग के पत्थर मारोगे तो ये अपने आगे फ्रीडम की दीवार खड़ी कर देगी। और लास्ट में अगर थक हार कर धार्मिक समझ के तुम इसे भगवान का डर दिखाओगे तो इसका जवाब होगा आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके। तो मतलब कि सिंपल सा पॉइंट है यार कि सिग्मा लौंडे का दुनिया में पैदा होने का मेन रीजन है उर्फी जावेद जैसी ढीठ लड़कियों का इस दुनिया में होना, क्योंकि मासूम लोगों को तो ये चूते समझती हैं। भाग यहाँ से सिड़ी की। खैर तो अब आओ यार फिर देखते हैं इसके कुछ ऐसे वीडियो जो देखने के बाद तुम्हें भी लगेगा यार कि तुम्हारी सोच कितनी करीब रह गई है। क्योंकि तुम तो बिना लाश शर्म की परवाह करने वाले अपनी स्कूटी को भी ढक के रखती हो, लेकिन हमारी उर्फी दीदी तो मुंदरी बनाई फिरे ते विच नाक जड़वाई फिरे। नहीं नहीं यार, तुम चाहे कितना भी ढूंढ रहे हो साउथ की फिल्मों जैसा दोस्त, और उर्फी की पहनी हुई साड़ी के साथ तुम्हें ब्लाउज कभी नहीं मिलेगा। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मुंदरी बनाई फिरे। यार हो सकता है कि खुद अपने ही खेत में उगाए हुए राशन को खाने की वजह से, या फिर बिना आरओ का पानी पीने की वजह से मैं तुम लोगों की तरह मैच्योर नहीं हो पाया होगा। तभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है यार कि अगर उर्फी जावेद अपने शरीर पर ये पहनने के बजाय भी मार्कर से छाती पर चार मोटी मोटी लाइनें खींच देती ना, तो वो इससे ज्यादा शरीर ढक लेती। पैसा बर्बाद पहन। ये लो भाई, सीमेंट की पुट्टी के बाद अब पेश है ऊंट की झाग से बनी हुई शरीर की पुट्टी, जिसे शरीर पर लगाने की शुरुआत इंडिया में करेंगे उर्फी जावेद। और ऊंट की झाग से बनी हुई इस पुट्टी की खासियत ये है कि ये तुम्हारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसे लीक होने से रोकता है। हो गए बकचोदे। और वैसे यार फैशन और लाइमलाइट की जिंदगी जीने वाले इन फुद्दुओं की मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये सब चीजें भी लोगों को दिखाना जरूरी है क्या? क्योंकि ये वही सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो कि खाना दरवाजा तो छोड़ो बल्कि मुंह भी बंद करके खाते हैं ताकि लोग इन्हें सोबर समझें, लेकिन कपड़े बदलने से लेकर नहाने रगड़ने तक वो काम ही खुलेआम पूरी दुनिया के सामने करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? जानते हो तू सोनी बाली। यार उर्फी जावेद की ये ऐसी वीडियोस देखकर ना पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यार कि इसके अंदर जरूर एक मर्द छुपा हुआ है, जिस मर्द की बहुत जोर की इच्छा को अपनी पूरी जिंदगी बस टॉपलेस होकर निकाल दे। नहीं तो तुम्हें सोचो यार कि कोई लड़की क्यों ही इतनी परेशानी उठाएगी कि उसे अपने ही शरीर के अंगों को एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई खिलवाना पड़ जाए। ये क्या है? लेकिन वैसे यार ये ड्रेस बनाकर उर्फी जावेद ने सबसे बढ़िया काम किया है, क्योंकि पूरे देश के हर उम्र और हर जेंडर के लोगों ने इसे ताने दिए कि उर्फी जावेद अश्लीलता फैला रही है। लेकिन अगर इन कपड़ों को पहनने के बाद उर्फी जावेद अपना हाथ भी हटा देना चले दूर, तो भी कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएगा कि उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रही है। क्योंकि जब गाड़ी का नंबर प्लेट ही छुपा दोगे तो मॉडल से थोड़ा ही पता लगता है कि गाड़ी किसकी है, समझ रहे हो? अब यार कुछ ज्यादा ही नग्नता हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि उर्फी जावेद इकलौती लड़की है जो कि इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर काम करने वाले सबसे निडर इंसान है। अच्छा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में लोग किसी जानवर भुखमरी या फिर बीमारी से नहीं डरते बल्कि इनसे ज्यादा हैकर लोगों से डरते हैं। लेकिन हैकर्स भी उर्फी जावेद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यार हैकर्स भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलकर ब्लैकमेल कर सकते। यही ना यार कि मैं तुम्हारी सेंसिटिव फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा दूंगा। लेकिन उर्फी जावेद को उस चीज का भी डर नहीं है क्योंकि वही फोटोज और वीडियो उसका कॉन्टेंट है। भाई रुक जा। यार अभी तक मैंने बहुत सहले लेकिन कसम से अब नहीं साझा रहा यार, क्योंकि हर वीडियो में एक लेवल ऊपर जाकर ही हमारी नजरों में नीचे गिरती जा रही है। नहीं देखा जा रहा। नहीं अब तो यार मुझे तंदुरुस्त भिखारी लोगों से भी सिंपैथी होने लगी है कि लोग उन्हें क्यों ताना मारते हैं। क्योंकि यार जब इसकी ये कपड़े उतारने की क्षमता को कुछ लोग टैलेंट मानकर इतना अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो फिर मांगना भी टैलेंट होना तो डिजर्व करता है ना। नहीं सिंपल बोलूं यार, जैसे भीख मांगने का पैसे कमाने का तरीका है, ठीक वैसे ही ये सब हरकतें करना भी पैसे कमाने का एक जरिया ही है, कोई टैलेंट नहीं। छोड़ो।
कैनबिस के और ज्यादा वीडियोस मैं तो नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मुझे मेडिटेशन शुरू किए सिर्फ अभी 5 दिन हुए हैं, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा अपने मन, दिमाग और जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बाकी अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम मेरे सब्सक्राइबर के बटन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। बाकी यार अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वैसे इतनी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक चीज तो पता लग गई यार कि उर्फी जावेद का फेवरेट फ्रूट क्या होगा। वो होगा केला, क्योंकि यार उसका भी छिलका उतार के खाया जाता है ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।